हेलो गाइस, दिस इज़ धीरेन फ्रॉम decaptech.com। और गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपना ऑनलाइन स्टोर कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास एक अच्छा सा डोमेन होना चाहिए। देखिए, डोमेन वही चूज़ करें, जैसे कि आप देखिए ये फ्लिपकार्ट यहाँ पे। तो फ्लिप देखिए नाम शॉर्ट भी है और लोगों के माइंड में रह जाने वाला, यानी कि थोड़ा सा अपनी छाप छोड़ने वाला है। ऐसा कोई नाम याद रखे जो रिमेम्बर जल्दी से किया जा सके, जल्दी से लोगों के दिमाग में छा जाए। तो ऐसे ही पहले कोई आपको एक नाम चूज़ करना है अपने स्टोर का, अपनी वेबसाइट का। आप अपने नाम से भी स्टोर बना सकते हो, या कोई भी आपका प्रोडक्ट है उसके नाम से आप उसको चूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो याद रखिए, सबसे पहले आप अपना डोमेन चूज़ करने से पहले, कि जो आपका नाम है वो शॉर्ट होना चाहिए और थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए, यानी कि वो रिमेम्बर किया जा सके, उसमें टाइम ना वेस्ट हो, लोग आए और उसको मतलब समझ ही ना पाए कि वो क्या है, तो है ना। तो चलिए, ऐसे कुछ मैंने एक डिसाइड किया हुआ। तो यहाँ पे देखिए, आपको पहले ही दिखाई पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं और मैं टाइप करता हूँ बाप की शॉप डॉट कॉम। तो अब ये जो डोमेन मैं बाई करने जा रहा हूँ ये अवेलेबल है फ़िलहाल यहाँ पे। पहले यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे कि अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है गाइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको अवेलेबल मिल जाएगा, चूँकि मैं पहले इसको चेक कर चुका हूँ, ठीक है ना। तो बाप की शॉप डॉट कॉम देखिए एक ऐसा डोमेन है जो कि आपके दिमाग में तुरंत ही चढ़ जाएगा कि हाँ, बाप की शॉप डॉट कॉम। मैंने कहाँ से मंगाया था? बाप की शॉप डॉट कॉम से मंगाया था, है ना। तो बहुत ही अच्छा डोमेन है, तो मैं इसको बाई करने जा रहा हूँ। फिलहाल अभी मेरा कोई मूड नहीं है इसको ओपन करने का, बट आपको जस्ट मुझे सिखाना है। तो इसको आपको यहाँ से बाई करना है, तो मैं यहाँ पे इसको बाई कर रहा हूँ। ओके, तो इसको मैं चेक आउट करता हूँ और कंटिन्यू चेक आउट। सो एक्चुअली मैं लॉग इन हूँ और यहाँ पे ये 2 साल का दिखा रहा है, बट मुझे 1 ईयर के लिए चाहिए। और ये टैक्स वैक्स लगा के लगभग ये पड़ेगा जाके मेरा, प्रोटेक्ट माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ो, 766 रुपये का पड़ेगा गाइज। तो लगभग ये 750 का मेरा जी जो डोमेन है ये पड़ रहा है। एक्चुअली टैक्स वगैरह जो लगा के ये 117 रुपये का भी टैक्स पड़ रहा है और 649 रुपये का हमारा डोमेन है। तो भाई हम यहाँ से इसको हम नेक्स्ट पे जाते हैं और इसको हम बाई कर लेते हैं। एक्चुअली मेरा ऑलरेडी लॉग इन है, तो साइन इन करता हूँ। ओके, यहाँ से आपको सिंपली आपको चूज़ करना है पेमेंट कैसे करना चाहते हो, पेटीएम करना चाहते हो, फ्री रिचार्ज, वैलेट, जो भी हो, जैसे आप करना चाहते हो वहाँ से कर सकते हो। तो मैं नेट बैंकिंग से करूँगा और इसको पे 766 कर रहा हूँ और थोड़ा सा वेट कराएगा गाइज, क्योंकि यहाँ पे मैं अपना स्टोर रेडी करने जा रहा हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाए, मैं एक दो वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा गाइज। तो यहाँ पे फिर से नेट बैंकिंग चूज़ करेंगे और जो भी आपका बैंक है वो सेलेक्ट कर लेंगे और मेक पेमेंट करेंगे। यहाँ पर आएंगे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे जो भी आपका हो। ओके, और इसके बाद में आपके पास OTP आता है अगर आप नेट बैंकिंग से करें, आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो। तो टोटल जो मेरी पेमेंट है 765 रुपये है और मैं कंफर्म करता हूँ और इसके जस्ट बाद में फिर से कंफर्म करता हूँ मैं। और यहाँ पे OTP आएगा मैसेज के थ्रू, जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा बैंक में, और आपको यहाँ पे देना होगा OTP। ओके, मैंने OTP दे दिया और इसको कंफर्म कर दिया। सो थोड़े समय बाद ये अपने आप ही रिटर्न हो जाएगा वहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ पे क्या होता है कि मेरा जो डोमेन है वो बाय हो चुका है, डोमेन बाय करने का काम तो मैंने कर लिया है, सही डोमेन हुआ है। देख लूँ भाई, पता लगे मैंने दूसरा ही कुछ कर दिया हो तो चेक कर लेता हूँ। अब कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, अगर गलत भी स्पेलिंग होगी, स्पेलिंग मैंने जल्दबाजी में चेक नहीं की। और इसके बाद में यहाँ पे आते हैं और जो आपका डोमेन है उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरे पास ढेर सारे डोमेन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ओके, यहाँ नेम सर्वर पे आएंगे और बाप की शॉप डॉट कॉम। तो अब नीचे जाते हैं और मेरे पास ये नेम सर्वर, एक्चुअली जहाँ से आप होस्टिंग बाय करते हैं, ये होस्टिंग को और डोमेन को कनेक्ट करने के लिए हम नेम सर्वर का यूज़ करते हैं। इसके माध्यम से दोनों आपस में कनेक्शन बैठाते हैं, ठीक है ना। तो तभी डोमेन कनेक्ट होते हैं, डोमेन और होस्टिंग।
जो आपकी फाइल्स होस्टिंग पे पड़ी होती हैं। देखिए डोमेन क्या होता है, आपका एक यूनिक नेम होता है ठीक है वेबसाइट का, और होस्टिंग यानी कि जो आपके डोमेन पे इंफॉर्मेशन शो होती है जब आप गूगल पे सर्च करते हो, जो इन्फॉर्मेशन जहाँ से आती है उसको एक जगह पे रखने के लिए हमें होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, उसको होस्टिंग बोलते हैं, यानी कि उसको होस्ट करना पड़ता है वो आपका कंटेंट जो भी होता है, और इस डोमेन को आपको लिंक करवाना पड़ता है उसी कंटेंट से, और उसके लिए हमें नेम सर्वर की ज़रूरत पड़ती है। जब आप होस्टिंग बाय करते हो तो वहाँ से आपको ये मिल जाता है, आप होस्टिंग कहीं से भी बाय कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट से जहाँ से आपको चीप लगे, और अगर आप मुझसे बाय करना चाहते हो देन आप मुझसे भी बाय कर सकते हो ठीक है। तो यहाँ से मैं होस्टिंग का जो हमारा नेम सर्वर है वो ले लिया, और यहाँ पर आऊँगा ये ऐड कराया, और यहाँ पर मेरा 8 है ओके, और ये वाले जो है वो मैं रिमूव कर दूंगा, और फिर से एक बार देख लेते हैं एनसिन 7 एनसिन 8 ओके ठीक है। अब इसको अपडेट नेम सेवर, तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है अपडेट होने में ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया है। और अब हमें करना क्या है, देखिए हमारे पास चूंकि डोमेन तो हो चुका है बाप की shop.com ठीक है, तो अभी ये हो चुका, अभी इस पर कुछ नहीं पड़ा है भाई, अभी मैंने ऐड भी नहीं करा, अभी काफ़ी काम है, क्योंकि अभी तो मैंने क्या किया डोमेन बाय किया है, और डोमेन बाय करने के बाद में इसमें सिर्फ और सिर्फ अभी तक मैंने नेम सर्वर अपडेट किया है, इसके बाद में क्या होगा ये डोमेन मुझे अपनी होस्टिंग प्रोवाइडर जहाँ से मैं होस्टिंग बाय करूँगा वहाँ पे इसको ऐड कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद में जो भी फाइल्स रहेंगी वो वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी। लेकिन उससे पहले अभी हमें काफ़ी काम करना है, तो ये अभी फर्स्ट वीडियो है। तो अब यहाँ से देखिए मेरा यहाँ जो डोमेन से रिलेटेड काम था वो ख़त्म हो चुका है, और इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ ओके। सो अब करना क्या है, देखिए मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से मैंने क्या किया है वर्डप्रेस की जो फाइल है वो डाउनलोड कर ली है, और स्टोर 1 जो थीम है वो भी डाउनलोड कर ली, जो जो मैं यूज़ करने वाला हूँ, और ये WooCommerce का एक प्लगइन है वो भी मैंने डाउनलोड कर लिया। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं इनको यहाँ पर आता हूँ, चेक करता हूँ शायद अच्छा काम कर जाए यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और वर्डप्रेस टाइप करता हूँ, wordpress.org पे आपको जाना होगा। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी स्लो चल रहा है, इसी वजह से मैंने पहले ही डाउनलोड कर लिया ताकि जो टाइम है वो ज़ाया ना हो। हाँ तो ये देखिए यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एक्चुअली अगर आप ऑनलाइन इंस्टॉल करना चाहो, मैं यहाँ पे गैस आपको बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे जो आपका स्टोर सेटअप करूँगा वो वर्डप्रेस का यूज़ करके, वर्डप्रेस का यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे कोई टेक्निकल नॉलेज ना हो, आपको बिल्कुल कुछ ना आता हो, बिल्कुल आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़नी आती है देन आप इसको सेटअप कर सकते हो, बिल्कुल कुछ भी ना आता हो मैं बात कर रहा हूँ ठीक है। तो अच्छा खासा आप स्टोर अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, बना सकते हो और सेटअप कर सकते हो, तो इस वजह से मैं यहाँ पे वर्डप्रेस का यूज़ करूँगा। तो वर्डप्रेस को मैंने डाउनलोड कर लिया पहले ही, नेट मेरा काफ़ी स्लो है इस वजह से मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, और मुझे जो प्लगइन्स यूज़ होंगे एक होगा स्टोर 1 ठीक है, स्टोर 1 ये जो है इसका मैं क्या करूँगा, लिंक आपको ये सारे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उनको डाउनलोड करने में ठीक है, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यहाँ पे, और वहाँ से इनको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर एक और मेथड होता है कि डायरेक्टली हम होस्टिंग पे जाके हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट यार मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि पहले आप लोकल होस्ट पे वर्क करो, डायरेक्टली वहाँ पे अपडेट मत करो जाके ठीक है, तो डायरेक्टली आपको दिक्कत होगी, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हालाँकि। तो हम क्या करेंगे कि मैं लोकल पे ही वो करूँगा, उस लोकल देखिए इसके लिए आपके पास लोकल सर्वर होना चाहिए, इसका सेटअप करने के लिए लोकल सर्वर होना चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ज़ैम्प यूज़ करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे जब आप आओगे आपको ज़ैम्प 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 ये देखिए मैंने इंस्टॉल कर रखा है यहाँ पे ज़ैम्प, तो ये इंस्टॉल कर लेते हैं तब ये ऐसा ओपन होके आता है, और इस पर आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से देखिए अभी ये स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, ये स्टार्ट ठीक है, यानी अपाचे जो है आपका अपाचे आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, और MySQL आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ज़ैम्प मैंने स्टार्ट कर लिया है, अब ये लोकल होस्ट आपको वर्क करता है। इसको डाउनलोड कैसे करना है अगर वो भी आपको नहीं आ रहा है, तो भैया मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए, आपको सिंपली टाइप करना होगा ज़ैम्प ओके, चूँकि मैंने वर्डप्रेस के सीरीज में सारी चीज़ें बताई हुई हैं, और apachefriends.org/download.html आपको करना है ठीक है। तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है एक, आप 32 यूज़ कर रहे हो तो 32 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, तो आप इसको कर लेना है आपको, और यहाँ पे 64 का भी अलग दिया हुआ है,
ये आपके लाइनेक्स का है, ये आपका विंडो के लिए है, ओके। और इस मैक वगैरह आप यूज़ करो तो उसके लिए भी है, मैक वगैरह अगर आप ओएस यूज़ करो तो। अब यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद इसको इंस्टॉल कर लेना है, और इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे आके जैसे मैंने इसको स्टार्ट किया था वैसे आपको जैम पे आके कंट्रोल पैनल पे आना है और यहाँ से इसको स्टार्ट कर देना है। फिलहाल यहाँ पे अभी मेरा स्टार्ट ही है। अब आपको कैसे क्या इंस्टॉल करना है वो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा, चूँकि ये मेरे हिसाब से काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, अभी 10 मिनट का हो रहा है। और चूँकि मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आपको सेटअप वेटअप करके दिखा दूँ, और दूसरी वीडियो में ये फाइनल हो जाएगा और अपने जो आपका स्टोर है वो आप सेटअप कर लोगे। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।